रजनी जी जवाब दीजिए, तैयार है कांग्रेस? तो कह रही है कि ठीक है आप लोग अपनी प्रक्रिया शुरू कीजिए, हम लोग तो तैयार हैं, जवाब देंगे आपको। पुलिस अपना काम करेगी, प्रक्रिया जल्दी शुरू करेगी, और जो मुझे खबर है प्रक्रिया शुरू हो भी गई है। पर दाएं बाएं की बात मत करना, मुद्दे की बात करना, और अभी भी कभी इस राज्य कभी उस राज्य, कभी ये घटना कभी वो घटना। तो आज आप रजनी जी एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, और मैं फिर आरोप लगाता हूँ रजनी जी, एक बात और बताइए कि काम के चुनावी घोटाले, तो आप अपना आरोप सिद्ध करेंगे? आप अपना आरोप सिद्ध करेंगे? आप अपना आप आपका आरोप तथ्य परक है, आपका आरोप तथ्य परक है या हवा में है? आपका आरोप तथ्य परक है, तथ्य दीजिए अपने आरोप के। ये सही है मनीष जी, आप दीजिए अपने आरोप के, तो आप कह दें कि बड़ी सरकार जांच करा ला। तथ्य तो कोई देने को तैयार नहीं है ना, आप अपनी बात रख पा रहे हैं। मनीष जी से ये पूछिए कि जो रजनीश जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिशन ये किया है, तो क्या मनीष जी या इनकी पार्टी बीजेपी और इनके खिलाफ इस आधार पर एफआईआर दर्ज कराएगी? जिस तरह बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराया है कि बिल्कुल तथ्यहीन तरीके से एक चिट्ठी आई, तो जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि चिट्ठी कांग्रेस ने तैयार की है, तो इस आरोप पर क्या कांग्रेस पार्टी एफआईआर दर्ज कराएगी? मनीष जी बिल्कुल दर्ज कराएगी। मैं इस बात को पार्टी में उठाऊंगा कि रजनीश जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। नहीं, रजनीश जी के खिलाफ क्यों? तो पार्टी प्रवक्ता है, वो तो पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं। पार्टी नहीं मनीष जी, रजनीश जी तो पार्टी प्रवक्ता है, वो पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं, तो एफआईआर तो पार्टी के नेताओं पे होगी ना। आदरणीय बिल्कुल आदरणीय विनोद जी, लेकिन चेहरा किसी को बनाया जाएगा ना, जैसे अगर हम कांग्रेस की तरफ से कोई बात कह रहे हैं तो एफआईआर तो अरुण जी के खिलाफ, प्रियंका जी के खिलाफ, कमलनाथ जी के खिलाफ हुई ना। तो सामने आकर बात कहेगा कोई चेहरा होगा ना, आप जैसे कह रहे हैं कि चेहरा होता है, तो एक चिट्ठी, इस चिट्ठी का भी तो कोई चेहरा होगा ना, वो सामने लाने में नहीं, मैं नहीं जो कह रहा हूं, क्या दिक्कत आ रही है? आदरणीय विनोद जी भी कह रहे हैं, जो आरोप ये लगा रहे हैं, क्या उसके तथ्य देंगे? अरे भाई, आपने भी तो तथ्य नहीं दिया ना, फिर आप सामने वाले से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? आपके आरोपों को भी तो तथ्यों की दरकार है, ये समझिए मनीष जी। हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट। इसी तरीके से चलेगी, ठीक है, सियासत कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन आरोपों का क्या आने वाले समय में होगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।